बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से नाइन्थ क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसका हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो पहले लेक्चर के अंदर जो हमारे पास टाइटल है मेन हमारे चैप्टर का, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसकी तरफ जाने से पहले हम फिजिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वो सीखेंगे कि फिजिक्स है क्या। इससे पहले, चूंकि आप लोग 8वीं क्लास तक साइंस के हवाले से पढ़ते आए हैं, अब साइंस के हवाले से जब आप लोग बात करते हैं तो साइंस के अंदर बाकी जो सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को नाइन्थ क्लास के अंदर इंडिविजुअली पढ़ाए जाते हैं, वो सारे के सारे कंबाइन एक ही सब्जेक्ट की फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाए जा रहे होते हैं, जिनमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, जो अब आप लोग नाइन्थ क्लास के अंदर आके पढ़ेंगे। उसमें फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पर स्टडी करना है वो फिजिक्स है। लेकिन उस फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से पहले मुझे जाना होगा साइंस की तरफ। सो मैं स्टार्ट लेता हूं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू साइंस। जब मैं बात करता हूं साइंस की, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, हम सिर्फ पहले फोकस करते हैं इस वर्ड के ऊपर साइंस। ये जो साइंस है, इसको ड्राइव किया हुआ है, अखज किया हुआ है किससे? लातीनी जुबान से। मीन ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का एक लफज है, लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से इसको अखज किया हुआ है? साइंटिया से। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया, उससे अखज किया गया है। और इस लैटिन वर्ड साइंटिया के जो मानी और मफहूम बनते हैं, मीन्स हम इसके जो मानी बयान कर सकते हैं, वो है नॉलेज। तो मैं बात कर रहा हूं साइंस की। साइंस क्या है? इसको हमने ड्राइव किया है एक वर्ड से, वो वर्ड कौन सा है? लैटिन वर्ड साइंटिया। और उसके मानी क्या है? नॉलेज। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है वो सारा का सारा क्या है? एक नॉलेज है। अब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कौन सा नॉलेज, कौन सी इंफॉर्मेशन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसा नॉलेज है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम हासिल करते हैं दो चीजों के बुनियाद पर। वो चीजें कौन कौन सी हैं? उनमें फर्स्ट थिंग वो है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। एंड द सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए, मैंने कहा है कि साइंस एक नॉलेज है और इसको हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? इंसानी फितरत के अंदर यह चीज शामिल है कि जब भी वो किसी चीज को देखता है तो उसको क्लीनली ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में जांच पड़ताल करने की और जानने की कोशिश करता है कि ये चीज क्या है, कैसे बनी है। यानी कुदरती जो जितने भी मजाहिर हैं, फितरती मजाहिर को देखने की और फिर उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है इंसान। ये किस चीज के अंदर शामिल है? इंसान की फितरत के अंदर ये हर वक्त उन चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो वो जो ऑब्जर्वेशंस इंसान कर रहा होता है, एक आदमी कर रहा होता है, वो ऑब्जर्वेशंस उसको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और उसी नॉलेज को हम नाम दे देते हैं साइंस का। फिर उन ऑब्जर्वेशंस की मदद से वो कुछ चीजों को परखने की कोशिश करता है, मींस कुछ चीजों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स करता है, मुख्तलिफ तजर्बात करता है, वो तजर्बात भी एक रिजल्ट की शक्ल में उसके सामने अपीयर होते हैं। वो रिजल्ट क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है। तो हमारे पास साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसे इल्म की हम बात कर रहे हैं जिसको हम थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स गेन करते हैं। अब ये जो नॉलेज है, इल्म है, नॉलेज इल्म, ये कोई दो चार किताबों तक, दो चार सफहात तक ये महदूद नहीं है।
बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत वसी ये एक इल्म है, बहुत वसी तर फील्ड है। अब इस फील्ड को हम जरा पीछे से स्टडी करके आते हैं कि इसकी बेस कौन सी चीज है, कहां से ये इल्म स्टार्ट हुआ। मैंने जिक्र किया है कि जो इंसान है वो हमेशा से चीजों को कीनली देखता है, ऑब्जर्व करता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है और वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और उसी इल्म को हम नाम दे रहे हैं साइंस का। लेकिन अगर हम बात करें उस साइंसी इल्म का जो स्टार्ट में इकट्ठा किया गया, यानी मुख्तलिफ जो दानिश्वर लोग थे, जो सोच विचार करने वाले लोग थे, यानी आप लोग साइंसदान जिनको बोल सकते हैं, जो सोचने समझने की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने की सलाहियत रखते थे, उनके पास जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया अपनी ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा इल्म, एक इंफॉर्मेशन उनके पास जो मौजूद थी जिसको उन्होंने स्टोर किया हुआ था, उन सब ने मिलकर यह मशवरा किया, जब एक दूसरे के साथ उन्होंने अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, कि हम इस सारी मालूमात को, इंफॉर्मेशन को बाकायदा किसी मजमून का नाम देते हैं, बाकायदा किसी सब्जेक्ट का, किसी किताब की शक्ल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो साइंसी इल्म 18वीं सदी से पहले पहले की बात है, नॉट इन अंटिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से पहले पहले जितना भी इल्म हमारे पास था, साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास था, उस सब को उस वक्त के साइंसदानों ने नाम दे दिया नेचुरल फिलॉसफी का, नेचुरल फिलॉसफी। अब ये मेरे पास एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का एक मेरे पास पूरा किताबचा है, एक बुक है, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, नेचुरल फिलॉसफी का। ये स्टार्ट की बात है, अभी साइंस का जो बुनियाद बन रही है, जहां से साइंस जन्म ले रही है, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, नेचुरल फिलॉसफी, 18वीं सदी से पहले पहले हमारे पास जितना भी इल्म था। लेकिन वक्त की जो जरूरत थी, डिमांड थी, वो ये थी कि ये जो हमारे पास एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर जानी जाती है नेचुरल फिलॉसफी, इसको हम कैटेगराइज कर दें मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। ये जरूरत क्यों पेश आई, इसकी जरूरत के पेश आने की जो मेन वजह वो ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको संभालना, कंट्रोल करना, उससे इस्तेफादा करना, उससे फायदा हासिल करना, उसको इस्तेमाल में लाना वो मुश्किल होता गया, तरतीब देना मुश्किल होता गया। तो फिर इस वजह से क्या किया गया, इसी नॉलेज को, इसी फिलॉसफी को, नेचुरल फिलॉसफी को दो ग्रुप्स के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया गया। ये इसकी डिमांड थी कि इसको अब ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जब भी हम चीजों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो चीजों को समझने में, उनको तरतीब लगाने में हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। वो कौन से हमारे ग्रुप्स थे, दो मेजर ग्रुप्स थे इसके नेचुरल फिलॉसफी के। वो दो मेन ग्रुप्स कौन से हैं नेचुरल फिलॉसफी के अंदर, एक ग्रुप का नाम है फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, और सेकंड जो ग्रुप था, मेन ग्रुप, वो था बायोलॉजिकल साइंसेस। हमने नेचुरल फिलॉसफी को कितने ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया है, दो ग्रुप्स के अंदर, एक हमारे पास बन गया फिजिकल साइंसेस और सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंसेस। चूंकि हमारी जहां तक अप्रोच है इस कायनात के अंदर, जिन चीजों के तक, जिन चीजों के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, वो मेन दो कैटेगरीज के साथ ताल्लुक रखती हैं। और वो कौन सी हैं, एक हमारे पास हैं जानदार चीजें, लाइविंग थिंग्स, और दूसरी हैं गैर जानदार चीजें, जिनको हम नॉन लाइविंग थिंग्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास जानदारों को एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, और जो गैर जानदार चीजें थी उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। सो हमने क्या किया, इसके लिए जो फिजिकल साइंसेस थी, हम कहते हैं सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लाइविंग थिंग्स, कि ये गैर जानदार चीजों का इल्म है, इट कंसर्न विद नॉन लाइविंग थिंग्स। ये एक हमारे पास मेन ग्रुप था जिसके अंदर हमने सारी की सारी गैर जानदार चीजों के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी इसको हमने इसके अंदर अलग से रख दिया। और दूसरा हमारे पास है इट इज द स्टडी ऑफ लाइविंग थिंग्स। सो पता चला हमारे पास दो मेन कैटेगरीज थी, एक लाइविंग थिंग्स की, एक नॉन लाइविंग थिंग्स की, दोनों को हमने अलग अलग रख दिया। तो ये हमारे पास दो मेन ग्रुप्स आ गए, एक बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरा फिजिकल साइंसेस। अब बात यहां पर रुकी नहीं है, इसको हम मजीद आगे एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं,
जब हमने इसको दो ग्रुप्स के अंदर डेवलप कर लिया है तो हमारी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हम उस इंफॉर्मेशन को इन ग्रुप्स के अंदर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, उससे सही तरीका से फायदा हासिल नहीं कर सकते। मजीद डिमांड यह है कि हम इन जो हमारे पास डिसिप्लिन हैं, जो दो मेन ग्रुप्स हमारे पास बने हुए हैं, फिजिकल साइंसेज का और बायोलॉजिकल साइंसेज का, इसको भी मजीद आगे डिवाइड कर दिया जाए। ये तब वक्त की जरूरत थी। तो साइंसदानों ने क्या किया, इनको भी मजीद आगे डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। अब कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी अगर बात करता हूं तो ये जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं इसको डिवाइड कर दिया गया दो बड़े ग्रुप्स के अंदर, बॉटनी एंड जूलॉजी। मींस हमारे पास जो जानदार चीजें थी उनमें पौधे भी थे और जानवर भी थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमने मूव करना है अपनी मेन जो हमारी क्लास है वो है फिजिकल साइंसेज की। फिजिकल साइंसेज का जो ताल्लुक है वो है फिजिक्स के साथ, यानी इसको भी हमने आगे डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर, और वो क्या बन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। मैंने यहां पर बायोलॉजी का जिक्र किया जिसमें बॉटनी जूलॉजी आती है, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जिक्र कर रहा हूं जिसका ताल्लुक आप लोगों की इस क्लास के साथ है। सो हमने क्या किया, इन फिजिकल साइंसेज को भी मजीद कैटेगराइज कर दिया आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जिनमें दो मेन ग्रुप्स आपको मैंने बता दिए, एक है फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। अब इसमें हमने जिसके ऊपर फोकस करना है वो क्या है, फिजिक्स, जिसके साथ हमारा कंसर्न है, दैट इज फिजिक्स। हम क्या कर रहे हैं, साइंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। साइंस के इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, साइंस के वर्ड को हम समझ रहे हैं क्या है, साइंस की डेफिनेशन, फिर वहां से नेचुरल फिलॉसफी, उसके मेन ग्रुप्स, और फिर आगे ग्रुप्स को भी हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते कराते हम पहुंच गए हैं फिजिक्स पे। यानी हमारे पास जो मेन चीज है जिसको हमने यहां पर डिस्कस करना है, दैट इज फिजिक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट फिजिक्स, हम फिजिक्स की तरफ जरा मूव करते हैं। अब फिजिक्स की तरफ मूव करने से पहले एक बात आप लोगों को बताता चलूं, वो ये है कि ये जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है बेसिक, जिसमें मैंने साइंस की बात की है, इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, और ये डेफिनेशन आप लोगों की बुक के अंदर अवेलेबल है, आप लोग इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स की मदद से, और इसमें से एक एमसीक्यूज भी बन जाता होता है। ये जो साइंस है ये कहां से ड्राइव किया हुआ है, कौन सी जुबान से, कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया हुआ है, लेटिन वर्ड है, और उसका जो जिस वर्ड से इसको ड्राइव किया हुआ है उसके मतलब क्या बनते हैं, दैट इज नॉलेज, इल्म। अब हम बात करते हैं जरा फिजिक्स की। नेचुरल फिलॉसफी को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बुक से मिल जाएगी। फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो कि मैंने यहां पर राइट कर दी हैं। अब हम जरा चल रहे हैं किधर, पहला फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स हमारा मेन कंसर्न यहां फिजिक्स के साथ ही है। ये तो आपके पास थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइंस का, नेचुरल फिलॉसफी का, और हम पहुंच गए फिजिक्स की तरफ। तो हम जरा फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिजिक्स क्या है। पूरी डिस्कशन से ये बात पता चल रही है कि फिजिक्स का ताल्लुक साइंस के साथ है, मींस इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की कौन सी ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं, इसको जरा मैं यूं डिफाइन करता हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, सेकेंड थिंग इज एनर्जी, एंड ऑल्सो देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मादा क्या है, मैटर, जिसको हम उर्दू में मादा बोलते हैं। एनर्जी क्या है, और फिर इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, दोनों के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस करना है। अब ये डेफिनेशन है सिंपल, जिसको आप लोग लिख सकते हैं,
अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डिफाइन आप लोग फिजिक्स को इस सिंपल वर्ड्स में यूं कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहां पर आप लोगों को बताना है कि ये जो डेफिनेशन के अंदर हम चीज लिख रहे हैं ये है क्या, इसको हमने कैसे स्टडी करना है। देखें भला, मैंने कहा कि फिजिक्स वो साइंस की शाख है सिंपल वर्ड्स के अंदर जिसमें हम दो चीजों को स्टडी करते हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है हमारे पास मैटर, दूसरी हमारे पास है एनर्जी, और थर्ड वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी इन दोनों चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैटर का जिक्र करता हूं। व्हाट इज मैटर? हम कहते हैं हर वो चीज जिसने कोई स्पेस लेनी है, जगह घेरनी है, और जिसका कोई वजन होगा उसको हम क्या कह देते हैं? मैटर, मादा। ठीक है, हमारे पास अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हमें फिजिकली नजर आती हैं, दे ऑल आर मैटर, इवन वी पीपल ऑल आर मैटर। हम सब के सब क्या है? मैटर है। यहां इस कमरे के अंदर हवा मौजूद है, एयर, वो क्या है? मैटर है। हम पानी पीते हैं, हमारे जिस्म की एक जरूरत है, क्योंकि हमारे जिस्म का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, वो क्या है? मैटर है। हम दूध भी पीते हैं, वो क्या है? मैटर है। तो क्या हुआ, मैंने पानी की, वाटर, एयर एंड वी पीपल और मैटर। इसके अलावा आप लोगों के क्लासरूम के अंदर चेयर होती है, मैटर है, टेबल है, वो मैटर है, पंखा लगा हुआ है, वो क्या है? मैटर है। तो ये दीवारें, कमरा, ये सब कुछ क्या है? मैटर है। मैटर के बारे में तो आप लोगों को बाखूबी अंदाजा हो गया होगा कि क्या है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी को समझने के लिए आप लोग जरा मेरी तरफ मुतवज्जे। मैं आप लोगों के सामने इस वक्त बोल रहा हूं, मेरे मुंह से एक आवाज निकल रही है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये जो साउंड मेरे मुंह से निकल रही है, मैं बोल रहा हूं, ये साउंड, ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी की एक शक्ल है, एक किस्म है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास मुख्तलिफ अशकाल के अंदर, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सो एक टाइप, एक स्पेशल काइंड हमारे पास है साउंड एनर्जी। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें, इसी कमरे के अंदर रोशनी मौजूद है, लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी है। ये लाइट हमें किसी लैंप से मिल सकती है, और हमारे पास लाइट का जो मेन सोर्स है वो सूरज है। सूरज से हमें रोशनी मिल रही है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे इसी कमरे के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मौजूद है, जिससे हमारे ये जो लैंप्स हैं वो भी चल रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फैन है वो भी चल रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी क्या है? एक एनर्जी है। साउंड भी एनर्जी हो गई, पंखे को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, लैंप से रोशनी मिल रही है वो भी एनर्जी हो गई, इसके अलावा लैंप उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है रोशनी के साथ साथ, वो भी क्या है? एनर्जी है। मेरा ख्याल है आप लोगों को एनर्जी का अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि एनर्जी क्या है। अब नेक्स्ट बात है रिलेशनशिप की। हम यहां पर मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, और उसको बयान भी कर सकते हैं। कैसे भला? मैंने अभी एग्जाम्पल दिए पंखे की, कि हमारे क्लासरूम के अंदर पंखा मौजूद है। पंखा क्या है? एक मैटर है, और इसी पंखे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है? एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब पंखा किसकी मदद से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब देखें जरा फिजिक्स, मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया कि फिजिक्स क्या है, मैंने डिफाइन भी कर दिया, और एक एक चीज को कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, उसके रिलेशनशिप को भी आप लोगों के सामने बता दिया। आपको पूछ सकता है आप लोगों से कि ये सारा कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स के ऊपर आप लोग अपना इतना दिमाग क्यों खपा रहे हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं हम, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, कि हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। या आप लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स को स्टडी करने की अहमियत क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, यानी मैं कह रहा हूं कि हम इंपोर्टेंस ऑफ फिजिक्स को जरा बयान करने जा रहे हैं। फिजिक्स की इंपोर्टेंस क्या है, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। जब आप लोग बात करते हैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ की, रोजमर्रा जिंदगी की जो आप लोग गुजार रहे हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिस जगह आप लोग बैठे होंगे और वहां पर फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इवन आप लोग अपने क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, यहां पर आप लोग देखें, आप लोगों को टीचर एक लेक्चर दे रहा है। अब ड्यूरिंग लेक्चर वो एक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, इंक का इस्तेमाल कर रहा है, मार्कर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये मार्कर की मदद से बोर्ड के ऊपर लिखना, इसके अंदर भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसके डेवलपमेंट के अंदर,
इसके मेथड के अंदर, इसकी वर्किंग के अंदर। या फिर आप लोग इससे भी बेहतर तरीके से यूं समझ सकते हैं कि आप लोग जब क्लासरूम के अंदर बैठे हैं तो क्लासरूम के अंदर आप लोगों को पंखे की जरूरत है, फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है। अब जो पंखा है इसकी वर्किंग, इसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारी चीजें किस पे बेस कर रही हैं? फिजिक्स के लॉज पे बेस कर रही हैं। यानी पंखे ने वर्क करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए हम पंखे को डिजाइन करेंगे और ये फिर उसकी मदद से करेगा वर्क। यानी अगर आप लोगों को पंखा एक फायदा दे रहा है तो वो किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से है। इसी तरह आप लोग, खुदा ना खासा आप में से कोई बीमार हो जाता है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आप लोगों का बखूबी मुआयना करने के बाद आप लोगों से कहता है कि आपका ना पेट का इंटरनल व्यू लेना पड़ेगा थ्रू अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड करना करवाने के लिए आप लोग एक नए वो जो है ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर आप लोगों का अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन है और फिर उस मशीन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने जो कंप्यूटर रखा हुआ है और फिर कंप्यूटर की मदद से आगे वो आपको रिजल्ट एक प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके दे रहा है। तो ये तीनों चीजों का जिनका मैंने जिक्र किया, अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर और फिर प्रिंटर, ये तीनों उसके पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इस फिजिक्स की वजह से। यानी ये एक मैं अहमियत आप लोगों को बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट है मेडिकली भी। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर फिजिक्स अवेलेबल नहीं है। अब जरा आते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ जो मैं बताऊंगा, जो इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं। आप अपने घर के अंदर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज। अब जो फ्रिज आपके घरों में चल रहा है और घर, हर घर की एक जरूरत है, ये फिजिक्स के लॉज पे बेस कर रहा है। कौन से लॉज? उनको नाम देते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स ये क्या है? थर्मोडायनामिक्स इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम आगे जाकर स्टडी करेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस को। तो उसमें ये जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज है उनको अप्लाई किया गया है रेफ्रिजरेटर के ऊपर और वहां से रेफ्रिजरेटर बना और वो हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं ट्रेवलिंग के लिए? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मोटर कार है या मोटर बाइक है, ये भी आप लोगों के पास डिजाइन की गई है किसकी मदद से? लॉज ऑफ फिजिक्स की मदद से। अब इसके ऊपर किसके लॉज अप्लाई होते हैं? लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको हम लेटर ऑन स्टडी भी करेंगे। तो मैंने यहां पर दो कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग कॉमनली इन चीजों को यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर को यूज कर लिया, कार को यूज कर लिया, मोटर बाइक को यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें आप लोग किसकी मदद से डिजाइन करते हैं? फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए। आप लोग घरों में टेलीविजन इस्तेमाल करते हैं, वो जो टेलीविजन है वो भी बेस करता है लॉज ऑफ फिजिक्स पे। आप लोग सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, सेल फोन्स हैं, या आप लोगों के पास अब एंड्रॉयड सेल आ गए हैं, तो ये सारे के सारे डिजाइन कह गए हैं, सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेस करती है लॉज ऑफ फिजिक्स पे। आप लोगों की वॉइस, आप लोगों की वीडियो ट्रांसमिट हो रही है एक इलाके से दूसरे इलाके तक, दूर दराज फासलों के ऊपर ट्रांसमिट हो रही है। तो वो ट्रांसमिट हम कर रहे हैं डिवाइसेस की मदद से, वो डिवाइसेस हों या चाहे वो तरीका कार हो, वो सारा का सारा डिपेंड करता है फिजिक्स के लॉज पे। यानी आप लोग अपनी जिंदगी का जो जो काम कर सर अंजाम दे रहे हैं उस काम के अंदर आप लोगों को फिजिक्स नजर आएगी। आप लोग घर बैठे हैं, अजान होने लग गई स्पीकर के अंदर, आप लोग बावजू होके मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। अब अजान स्पीकर के अंदर हो रही है तो स्पीकर जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिजाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को मैंने कोई इंपोर्टेंस बताई है फिजिक्स की। इस इंपोर्टेंस से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कितनी जरूरी है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, सीखनी चाहिए हमें ये फिजिक्स। सो हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों ने कोई बात पूछनी हो ये इस लेक्चर के बारे में, कोई कमेंट करता हो करना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब फरमाए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। स्ट्रगल एनर्जी की मदद से
तो यहां पंखे का जो कि मैटर है उसका एक रिलेशन बन रहा है एनर्जी के साथ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम फिजिक्स के लॉज की मदद से स्टडी करते हैं कि कैसे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फिर कैसे वो इसको यूटिलाइज करेगा। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से निकल रही है साउंड एनर्जी, और मैं बजा तो खुद क्या था, मैटर। तो यहां पर भी आप लोगों का मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन तो नजर आ रहा है ना, आप लोग फिजिकली देख सकते हैं ना, एक रिलेशन, एक ताल्लुक बन रहा है। इसी ताल्लुक को हम यहां फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने जस्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना था फिजिक्स से रिलेटेड। अब इसके बाद जो मेन हमारा टाइटल है चैप्टर नंबर 1 का, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। यहां पर जस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना था फिजिक्स के मुतालिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर पसंद किया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़े अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।